हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैं आपको करवाऊंगी वोकैबुलरी। इसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जिसको मैं मीनिंग और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज सेकर्ड। ठीक है, प्रोनंसिएशन क्या है इसकी? सेकर्ड। मीनिंग होता है इसका होली, पवित्र। रामायण इज द सेकर्ड बुक ऑफ हिंदूज। रामायण हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। वी कलेक्टेड मनी फॉर सेकर्ड वर्क। हमने पवित्र कार्यों के लिए पैसे इकट्ठे किए। दूसरा वर्ड है आज का हमारा हार्डशिप। हार्डशिप का मीनिंग होता है डिफिकल्टीज, यानी कि हार्डशिप और डिफिकल्टीज बोथ हैव सेम मीनिंग। आप जो यूज करना चाहे वो कर सकते हैं कोई, बट हार्डशिप थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसका मीनिंग है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट कंडीशंस ऑफ लाइफ। डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ यानी कि कठिनाइयां। एग्जाम्पल, हार्ड शिप्स मेक अ मैन स्ट्रोंगर, यानी कि परेशानियां एक आदमी को मजबूत बनाती है। ड्यू टू फ्लड्स इन केरला पीपल आर फेसिंग मैनी हार्ड शिप्स। केरला में बाढ़ की वजह से लोग बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं। तीसरा वर्ड है आज का हमारा टर्मोइल। प्रोनंसिएशन टर्मोइल। अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन, यानी घबराहट, उथल पुथल। अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन, घबराहट, उथल पुथल। एग्जाम्पल, आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग आउट माई फैमिली आउट ऑफ फाइनेंशियल टर्मोइल। I am not able to bring my family out of financial turmoil. यानी कि मैं अपने परिवार को financial उथल पुथल से बाहर निकालने के योग्य नहीं हूँ। When her mother was ill, her mind was in turmoil. जब उसकी माँ बीमार थी तो उसके माइंड में क्या थी? उथल पुथल थी। ओके, अब हमारा फोर्थ वर्ड है अनकैम्प्ड। क्या है हमारा? अनकैम्प्ड। Untidy, not cared for, यानी कि अस्त व्यस्त, गंदा, बिखरा। ये क्या होता है? अनकैम्प्ड। एग्जाम्पल है हमारा, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन एन अनकैम्प्ड रूम, इट सीन्स दैट इट हैज नॉट बीन क्लीन फॉर मंथ्स। यानी कि मैं एक गंदे रूम में नहीं रहना चाहता, ऐसा लगता है कि इसे महीनों से साफ नहीं किया गया। सेकेंड वर्ड है आई लुक अनकैम्प्ड वेन वेक अप इन द मॉर्निंग। जब मैं सुबह उठता हूँ तो क्या होता हूँ? अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ। सो आई लुक अनकैम्प्ड व्हेन वेक अप इन द मॉर्निंग। अब हमारा जो लास्ट वर्ड है आज का वो है डिराइड। डिराइडिंग, टू लाफ एट समवन और समथिंग इन अ वे दैट यू थिंक दे आर स्टूपिड और नो वैल्यू। किसी के ऊपर हंसना, कि किस तरह से, कि ऐसे मतलब किसी का मजाक बनाना कि इसको तो कुछ नहीं पता। ओके, एग्जाम्पल, रिया डिराइडेड प्रिया व्हेन शी डिडंट स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। रिया ने प्रिया का मजाक बनाया जब उसने मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए। डोंट डिराइड अदर्स, दूसरों का मजाक मत बनाओ। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। ओके, बाय।